किसान भाइयों नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार, मेरे YouTube चैनल किसान संगवारी में आप सभी का स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आज बरसात का मौसम है और इस बरसात के मौसम में किसान सभी जो किसान हैं सबके सब रोपाई नहीं कर पाते हैं। कुछ किसानों क्या करते हैं कि अपने खेत में सीधी बुआई करते हैं। अब सीधी बुआई करते हैं तो धान के साथ साथ अननेसेसरी तरीके से जो खरपतवार उगते हैं उसमें आता है, एक नाम आता है सांवा, एक आता है बदौरी और एक आता है शोभना। इन तीनों चीज़ों से क्या है, किसान बहुत परेशान रहते हैं और इन तीनों बीमारी खरपतवार से बचने के लिए किसान अनेक रंग प्रकार की अलग अलग दवाइयों का इस्तेमाल करते रहते हैं। और कई बार तो किसान हमारे पास शिकायत लेकर आते हैं कि भाई हमने इस जगह से ये दवाई डाला है तो कंट्रोल नहीं किया है। तो क्या होता है कि इन शिकायतों से भी समझना पड़ता है किसानों के बारे में कि वो कैसे डाला, क्या डाला, कितने मात्रा में डाला है, कौन सी स्टेज में डाला है, इनको भी समझते हैं। और उसके साथ ही साथ हो जाता है कि कोई किसान समय पे नहीं डाल पाया रहता है, जैसे कि दवाई को जिस समय पे डालना चाहिए उस समय पे नहीं डाल रहा है तो खरपतवार का भी साइज़ बढ़ जाता है। जैसे सांवा की बात करें तो आज हम वीडियो बना रहे हैं वो सावन में बना रहे हैं, तो लगभग सांवा जो है उसका साइज अच्छे से बढ़ चुका है और 40-45 दिन 50 दिन का सांवा हो चुका है। तो किसान भाइयों, अगर 50 दिन का 40 दिन का या तो कम से कम 30 दिन का आपके खेत में अगर कोई भी प्रकार के सांवा, बदौरी, शोभना ये सारी चीज़ अगर होगा तो आप क्या करिएगा, उसी के बारे में हम आज वीडियो बना रहे हैं कि ये कौन सा दवा डालना है जिससे ये कंट्रोल हो जाए। तो किसान भाइयों, ये हम आज लेकर आए हैं, इसके नाम से शुरू करते हैं। इसका नाम है फेनोक्सा, इसका नाम ही है, ब्रांड नाम फेनोक्सा है। ये शिवालिक करके कंपनी है, उस कंपनी का है, ये उसकी बॉटल है। फिर हम उसके बारे में इन सभी 9 पॉइंट में बात करेंगे। तो ये उसकी बॉटल है, इसका बैच नंबर है, जस्ट इसके नीचे में मैन्युफैक्चर है। 4 जुलाई 2024 को ये मैन्युफैक्चर हुआ है, 3 जुलाई 2026 को इसका एक्सपायरी है। तो किसान भाइयों, आज हम बना रहे हैं 2024 में ये वीडियो बना रहे हैं। किसान भाइयों, ये हम अभी बना रहे हैं और इसको हम जो डालेंगे वो अगस्त के समय पे है, तो ऐसा नहीं है कि इसके टाइमिंग वगैरह सारी चीज़ बात करेंगे। तो किसान भाइयों, चलिए हम आगे वीडियो बढ़ते हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो किसान भाई, जो सबसे पहले हम जाते हैं इसका नाम, तो इसका नाम ही है फेनोक्सा, कंपनी ने इसका नाम रखा हुआ है फेनोक्सा। इसमें फार्मूला क्या, टेक्निकल क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। फेनोक्सा प्रोपी इथाइल 9.33%, ये जो फार्मूला रहता है, ये जो टेक्निकल हमने बात किया है, अब ये फार्मूला में आता है तो ये बनता है ईसी फार्मूला में, मतलब ये इसका जो दवाई है तेल की तरह रहता है। इसके बाद अगर बात करें जाए आगे, तो ये कौन सी कंपनी है, तो ये है शिवालिक कंपनी। ये शिवालिक कंपनी का है, ये शिवालिक कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है ये भी। फसल इसका इस्तेमाल आपको करना है धान में कर सकते हैं। और इसके बाद इसका कार्य क्या है, तो ये जो काम करता है, ये काम करता है सांवा, बदौरी और शोभना, ये तीनों चीज़ों में बहुत अच्छा काम करता है। और हमारे छत्तीसगढ़ में यही नाम से जानते हैं, हो सके दूसरे जगह पे दूसरे नाम से जानते हैं, जिस जगह पे मैं हूँ उस जगह पे इसको सांवा, बदौरी और शोभना के नाम से जानते हैं। ये अलग अलग वन है, तो वन को कभी आप किसी वीडियो में हम दिखाएंगे कि कौन सा बन कैसा होता है। तो किसान भाई, इसका मात्रा की बात करें तो किसान भाइयों, इसकी जो मात्रा है 35 ml से 40 ml डालना रहेगा। कब की मात्रा में, ये आपको डालना है जब धान आपका 30-40 दिन से ऊपर है, तो 35 से 40 ml डालना है। उसके बाद यहाँ पे लिख देते हैं 35 ml से 40 ml, लेकिन ये डालना है आपको आपके नज़दीकी जो भी दुकानदार है एग्रीकल्चर वाला या एग्रीकल्चर एक्सपर्ट होगा उसके सलाह से डालना है। उसके बाद इसके लाभ ये है कि सारी जो तीनों खरपतवार बोले, खरपतवार नाशक है, तो ये क्या होगा, आपके खर्चे को क्या करेगा, ये कम कर देगा। लेबर से अगर आप करवाओगे, खरपतवार हटवाओगे तो महंगा पड़ेगा, अगर आप उससे अच्छा अगर यहाँ से करवाते तो आपको सस्ता पड़ेगा। अब बात करें किसान भाई उसकी सावधानी, तो सावधानी पे हम डायरेक्ट बात करते हैं।
तो किसान भाइयों, इसकी जो सावधानी है, इसमें पहला आपको ध्यान देना है कि आपकी खेत के जो धान की जो साइज है वो कम से कम एक महीने से ऊपर हो, ये पहला है। दूसरा किसान भाइयों कि आपके खेत में पानी होना चाहिए। तीसरा ये है कि इसके साथ आपको कोई भी प्रकार के कीटनाशक या तो फिर आपको टॉनिक वगैरह है जो PGR होता है, जिसको प्लांट ग्रोथ के लिए करना है, इसको नहीं डालना है। उसके बाद खेत सूखा भी नहीं होना है, मतलब पर्याप्त पानी होना चाहिए। उसके बाद इसकी मात्रा के भी बारे में बात करें तो मात्रा जो है आप अपने आसपास से कृषि दुकान कहीं पे भी उससे पहले पूछ के उससे सलाह लेकर ही डालें कि इसका मात्रा कितना डालें। अब मात्रा के बारे में इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर आप कम मात्रा में डालेंगे, जैसे बन के साइज अगर बड़ा हो गया, अगर आप कम मात्रा में डालते हैं तो क्या होगा, वो खरपतवार ख़त्म नहीं होगा। अगर आप ज़्यादा मात्रा में डालते हैं और अगर धान का साइज छोटा होगा तो आपके खेत के धान को ये डैमेज करेगा। तो आप एक लिमिटेड और निश्चित मात्रा में ही डालें और इसलिए अच्छा काम करें। तो किसान भाइयों, ये हम इतने टॉपिक पे बात की, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।